एक लड़का कहा था, मैं गौरव का भाई हूँ, बाबा से मैं झटका दूँ? बोला, बाबा तूने अच्छा काम नहीं किया। बोला, भाई क्या हुआ? कहा था, मैं तुम्हें झटका दूँ? नमस्कार, जय हिंद। ठंड बड़ी जबरदस्त पड़ रही है दिल्ली में यार, मानो दिल्ली शिमला हो गई है। और आपने बाबा के ढाबे के नाम तो सुना होगा, वो बाबा जिसको एक यूट्यूबर गौरव वासन ने रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। सुपरस्टार अगर बोले तो बाबा के पास खाने के लाले थे। गौरव वासन ने उनकी काफ़ी हेल्प करी, पूरे इंडिया में बड़े फेमस हो गए रातों ही रात। बाबा के ढाबा के नाम से लोगों ने उनको चंदा देना, पैसे देना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद नौबत ये आई कि गौरव वासन, जिसने बाबा की इतनी हेल्प करी, बाबा ने उन्हीं के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया कि सारे पैसे इसने अपने खाते में मंगवाए हैं, मेरे पास कुछ नहीं आया है। लेकिन पुलिस की तहकीकात में पता चला कि बाबा के खाते में 25 लाख से ऊपर पैसे आए हैं। और गौरव वासन, जिसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था, उसने अपनी सारी स्टेटमेंट्स दिखाई पब्लिकली और ये साबित किया कि 3-3.5 लाख रुपये जो भी आया था, जिस भी तरीके से आया था, एक एक पैसा वो बाबा को दे चुके हैं। लेकिन यार, कोई इतना बदल सकता है क्या? जिसने किसी की हेल्प करी हो, उल्टा उसके लिए इतना अगेंस्ट जा सकता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इंसानियत के ऊपर। ऐसे एग्जांपल्स जब सोसाइटी में आते हैं तो लोग बाकी फ्यूचर में किसी और की हेल्प करने से कतराते हैं। अभी हाल ही में बाबा ने क्या किया है, पहले इसको सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। हैव अ लुक ऑन दिस क्लिप। 8 दिसंबर शाम को 7 बजे ये हम तुम्हारी दुकान जला देंगे, फोन पे आता उससे हमारी करीब बात हुई है, 1-2 मिनट करीब बात हुई थी। उसने बोला कि बाबा हम तुम्हें डोनेशन दिए थे। बोला, किसके नाम दिया? दिया किसको दिया है? कहता, गौरव खाते में। मैं बोले, या गौरव खाते में? गौरव से मुझसे क्या लोगे? एक लड़का कहा था, मैं गौरव का भाई हूँ, बाबा से मैं झटका दूँ? पहले तुम्हारे से पूछो बाबा चाय मिले, गाँव में चाय मिलेगा। बोला, ठीक है। बोला, बाबा तुमने अच्छा काम नहीं किया। बोला, भाई क्या हुआ? कहता, मैं तुम्हें झटका दूँ? मैं गौरव का भाई हूँ, ये हमसे बोला था। आखिरकार में गौरव नहीं करवाएगा तो इस धमकी कौन मिलेगा? हमने कहीं दुश्मना तो है नहीं कि भाई यही करा, क्यों कि जब से कंप्लेन हुआ है तब से धमकी आ रही है। तो इस वीडियो क्लिप से आप कुछ समझ पाए? बाबा कह रहे हैं कि उनको जान से मारने की धमकियाँ मिल रही हैं, लोग उनसे पैसे वापस मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने जो तुम्हें पैसे दिए थे तुमने सही नहीं किया गौरव के साथ, चलो हमारे पैसे वापस करो। तो बाबा कहते हैं कि भैया तुमने कौन से खाते में भेजे थे? तो जनता कहती है, हमने गौरव के अकाउंट में भेजे थे। तो बाबा उनको रिप्लाई करते हैं कि जाके तुम गौरव से मांगो, मुझसे क्यों मांग रहे हो? लेकिन फिर वो यही कहते हैं कि हमने तो गौरव ने तुम्हें सारे पैसे दे दिए, तो तुम्हें वापस करो। तो मतलब यार क्या चल रहा है यार, कितने लोग मैच्योर हैं, इनकी इतनी उम्र हो गई है, इनसे ज़्यादा वो लोग इनमैच्योर हैं जो अलग अलग प्रोफेशन से, कोई इनका एडवोकेट बन जाता है, कोई इनका मैनेजर बन जाता है, बाबा के लेफ्ट राइट आके मीडिया की लाइमलाइट लेने के लिए आगे पीछे लग रहे हैं, बजाय बाबा को गाइड करने के कि बाबा आपके पास जो पैसे आ गए, जनता ने हेल्प करी है, आराम से अपनी बुढ़ापे की ज़िंदगी जियो, जो हो गया सो हो गया, किसी को कोई गिला शिकवा नहीं, अपना ऐश करो। लेकिन ऐसे लोग लाइमलाइट में आने के लिए ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, कभी बाबा से FIR करा रहे हैं, कभी कुछ करा रहे हैं, कभी कुछ करा रहे हैं। तो मतलब यार इंसानियत के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ज़िंदगी में कोई किसी की हेल्प करने से पहले 100 बार सोचेगा? हमारे जैसे लोग जो सोशल मीडिया की पावर से लोगों की इतनी हेल्प कराते हैं, मेरे काफ़ी वीडियोज़ में डायरेक्ट मैंने लोगों के अकाउंट नंबर दिए हैं ताकि उनकी हेल्प हो सके, जो वाकई ज़िंदगी में बहुत मजबूरी के साथ जी रहे थे, चाहे वो किसी फोर्स के जवान हो, परिवार हो, या फिर एक आम नागरिक। तो यार ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं भाई, कमेंट करके अपनी राय बताइएगा। और बाबा जैसे लोगों को और एक्सपोज करने के लिए, उनकी हकीकत बताने के लिए इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, पहली बार अगर आप देख रहे हैं अपना चैनल रॉयल सोल्जर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं ऐसा इसलिए क्यों कहता हूँ, क्योंकि यहाँ आपको वो खबर दिखती है जो शायद कहीं और नहीं दिखती। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर फॉर सेल्फ। जय हिंद।